let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए है। गवर्नमेंट टीचर हैं चाहे प्राइवेट टीचर हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला टीचर के नॉलेज में भी इजाफा होगा और स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल अबाउट एवरी थिंग्स को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानब। टीचर किसे कहते हैं? आपके नज़दीक एक टीचर की तारीफ़ क्या है? हम में से मोस्टली का जवाब ये होगा कि टीचर वो है जो पढ़ाता है, सिखाता है और बताता है। सर आपका जवाब दुरुस्त है, मगर टीचर की दौरे जदीद की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। अगर टीचर मोटिवेट नहीं करता तो वो टीचर नहीं है नाज़रीन। पढ़ा देना, बता देना, समझा देना ही काफ़ी नहीं है। एक स्पार्क पैदा करना, एक विल पैदा करना, तरक्की याफ्ता ममालिक में बाकायदा लाइसेंस इजाज़त लेकर टीच कर सकते हैं। अब इस टीचिंग लाइसेंस के इशू करने से पहले 6 मेजर क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। उसमें से पहली क्वालिटी सब्जेक्ट ग्रिप, जिसकी अपने मतलूबा सब्जेक्ट पे ग्रिफ्ट है वो हमारे यहाँ एक अच्छा टीचर है। वैसे ये बात तो हमारे यहाँ भी कॉमन है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में आपकी सब्जेक्ट ग्रिप के साथ साथ इस चीज़ को भी फोकस किया जाता है कि क्या आपकी सब्जेक्ट अपग्रेडेड है। अमूमी तौर पर हम वही नॉलेज कैरी कर रहे होते हैं जो हमने लास्ट डिग्री में हासिल किया होता है। नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब है कि ये आपके पास ये फ़न होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आपके पास ये फ़न होना चाहिए कि आप दूसरे बंदे की सतह पर आकर उसको समझाएं। नंबर 3 पे आता है सोशल जेनियस। इस खास टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि इस बंदे में घुलने मिलने की सलाहियत हो, मिलनसार होना। एक बंदे का काम ही बच्चों के साथ है उनको सिखाना। अगर वो बच्चों को पसंद नहीं करता तो वो कभी अच्छा टीचर साबित नहीं हो सकता। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीचर में मोटिवेशन नहीं है, स्पार्क नहीं है, जज्बा नहीं है, एक विल नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता सर। नंबर 5 पे आता है आर ट्रू लर्नर। सीखने का शौक लाजमी हो। अगर आप में इलम सीखने की प्यास नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या इलम का प्यासा बनाएंगे। नंबर 6 प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। एक टीचर के लिए आगे बढ़ने वाला इंसान होना लाजमी है, क्योंकि टीचर वो है जो इस कौम को आगे बढ़ाएगा। अगर वो खुद आगे बढ़ने वाला नहीं है तो इस कौम को क्या आगे बढ़ाएगा सर। तो सर आप इन क्वालिटीज पर गौर करें, अपने बच्चों के टीचर्स पर गौर करें। उम्मीद है कि इसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि आज हमारे बच्चे बासलाहियत, बाहौसला और बा कमाल क्यों नहीं बन पा रहे। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अबाउट एवरीथिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।